चलिए सबसे पहले हमने वेजिटेबल डालना है, ये रहा वेजिटेबल, देखिए गाजर, हमने कैरेट ले लिया, और ये ले लिया हमारा बेबी कॉर्न, ये ब्रोकलीस, ये जुकनी, ये येलो जुकनी, ये ग्रीन जुकनी, ठीक है ना, और साथ में ये कैप्सिकम वगैरह ले लिए, ठीक है। देखिए पहले तो हम थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल डाल लेते हैं। पहले हम बनाएंगे राइस, सेम वेजिटेबल, ठीक है ना, हम सेम वेजिटेबल देके बनाएंगे। ओ क्या बोलते हैं, राइस भी, ठीक है ना, सेम वेजिटेबल देके बनाएंगे, तो साथ में थोड़ी कैप्सिकम दे देते हैं, ये रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ठीक है। ठीक है, हमारा ये वेजिटेबल भी फ्राई हो गया है, अभी हम इसमें, ठीक है ना, क्या डालेंगे, राइस डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा बासमती राइस है, ठीक है, बासमती राइस हम डाल देते हैं। थोड़ी आँच धीमा कर लेंगे जब तक थोड़ी जल ना जाए। देखिए हम एक ही ग्रेवी में हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये है हमारा रेड सॉस, ठीक है, दिख रहा ना रेड सॉस, ये देखिए ऐसे आपके हिसाब से जितना स्पाइसी खाना चाहो आप डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो हम अभी मसाला इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे फ्राई हो गया हमारा, अभी हम थोड़ी इसमें क्या देंगे, वाइट पेपर, ठीक है ना, थोड़ी वाइट पेपर दे देंगे, और थोड़ी हम इसमें लाइट टेस्टिंग सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है, साथ में हम नमक, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सॉस में हमने नमक दिया था, फिर भी हमें इसमें राइस में नमक ज़रूरत होगा, ठीक है ना, ऐसे हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अगर आप चाहो तो काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, हम थोड़ी ब्लैक पेपर डाल देते हैं। चलिए अच्छी तरह इसको हम फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना, आप घर में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसा हमने बनाया था, ठीक है ना। देखिए ये लगभग हमारा राइस रेडी, देखिए, ठीक है ना, ओके। चलो राइट, हम थोड़ी टेस्ट करके भी देख लेते हैं, दोस्तों क्या मस्त लग रहा खाने के लिए, आपको क्या बताऊं, आप एक बार जरूर ट्राई करिए घर में, ठीक है ना।
चलिए अभी हमने राइस बना के भी दिखाया और ये हम अभी बना रहे नूडल्स, ठीक है ना, मंगोलियन नूडल्स। तो देखते रहिए हम क्या क्या वेजिटेबल डाल रहे हैं। वेजिटेबल तो वैसे तो बहुत कुछ देते हैं, तो हमने 8-9 वेजिटेबल दे के बना रहे, ठीक है ना। तो हम वेजिटेबल डाल देते हैं। ये रहा हमारा बेबी कॉर्न, ये हमारा कैरेट, ठीक है ना, कैरेट देखिए, और ये बाकी रहा हमारा ब्रोकली, ठीक है, और ये रहा हमारा दोनों जुगनी, ठीक है ना। चलिए थोड़ी जुगनी हम, चलिए दोस्तों हम अभी आपको बना के दिखाते, ठीक है, ठीक है। वेजिटेबल हमारा फ्राई होने को है, चलिए वेजिटेबल हमारा फ्राई हो गया है, ठीक है ना। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, नूडल्स डाल देते हैं, ठीक है, ये रहा नूडल्स, ठीक है। थोड़ी इसको काट देंगे, नहीं तो फ्राई होने में थोड़ा हिलाने में तकलीफ होता है, ठीक है। ठीक है, रेडी। अभी हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, वही ग्रेवी हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना, जो हमने बनाया था रेड ग्रेवी, देखिए, ठीक है, वही ग्रेवी हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। और साथ में हम पूरा मसाला भी मिला देते हैं, ये ब्लैक पेपर और ये हमने वाइट पेपर ले लिया है, ठीक है, और नमक, नमक अपने हिसाब से नमक, ठीक है ना, अपने हिसाब से नमक डाल देंगे तो आपके ऐसे बनाते हैं मंगोलियन का नूडल्स, ठीक है ना। तो आप सबको तो मालूम पड़ गया होगा, तो हमने सॉस भी आपको दिखाया और नूडल्स राइस बना के भी हमने दिखा दिया, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हाँ बहुत सारे दोस्तों हम लोगों को हमें कमेंट किए थे कि भैया आपने तो पहले ही गार्लिक डाल दिया था, हम लोगों को दिखाया नहीं था, इसलिए हम आपको आज पूरा प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है ना। तो आप घर में ट्राई करिए, सिंपल तरीका है, हो सके तो आप हो सकता है आप सबके उधर लेमन ग्रास या सैलरी मिलता कि नहीं, तो फिर भी आप कोशिश करिए विदाउट वो सब मिला के, बिना मिलाए। ये हमारा नूडल्स भी रेडी हो गया, ठीक है ना, देखिए, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं नूडल्स, ठीक है ना, ओके। चलिए, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।